हे गाइस, कैसे हो आप सब। बात करेंगे आज इस वीडियो में एक बार फिर से विकी कौशल की मच अवेटेड फिल्म सैम बहादुर को लेकर, और जानेंगे आज इस वीडियो में कि फिल्म कैसी है, फिल्म का क्रेज़ क्या है और इस फिल्म को लेकर ऑडियंस कितने एक्साइटेड है। वेल, अगर बात की जाए फिल्म को लेकर सैम बहादुर, जो कि बायोपिक है इंडिया के पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की, इस फिल्म को इनिशियल डेज में कुछ खास रिस्पांस नहीं मिला, लेकिन अब इस फिल्म को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। सेकंड वीक में इस फिल्म ने बम्पर ओपनिंग ली है, बम्पर कमाई की है। आपको भी जानकर हैरानी होगी कि ये फिल्म आज अपने 14वें दिन कलेक्शन कर रही है 1.5 करोड़ की रेंज में इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर, जो कि देखा जाए तो काफ़ी अच्छा कलेक्शन है। इसी के साथ फिल्म का टोटल ऑल इंडिया नेट कलेक्शन हो चुका है 64 करोड़ 50 लाख प्लस, इंडिया का उसका कलेक्शन हो चुका है 72 करोड़ प्लस, और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने अभी तक 80 करोड़ प्लस का बिजनेस कर लिया है। और ये फिल्म हिट के लिए ट्रेंड कर रही है वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर, जहाँ पर इसका बजट है सिर्फ 55 करोड़ रुपये, यानी कि फिल्म ने ऑलमोस्ट 9.5 करोड़ का बिजनेस कर लिया है, 9.5 करोड़ का प्रॉफिट कर लिया है नेट बॉक्स ऑफिस पर, जो कि अपने आप में काफ़ी अच्छी बात है। और क्या लगता है आपको, क्या ये फिल्म 100 करोड़ के क्लब में एंटर हो पाएगी? ऐसे में आपकी राय क्या है, ओपिनियन क्या है सैम बहादुर को लेकर, आपकी राय कॉमेंट में मेंशन कर सकते हो। और फिल्म आपने देखी तो आपको ये फिल्म किस हद तक इंटरेस्टिंग लगी, आपकी राय कॉमेंट में मेंशन कर सकते हो। वेल, आपने काफ़ी सारी फिल्में देखी होंगी इससे पहले विकी कौशल की, इस फिल्म में आपको परफॉर्मेंस कैसी लगी विकी?